अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत यमी रेसिपी है, चिकन स्टिंग की रेसिपी है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। चलें अब चलते हैं मज़ीद रेसिपी की तरफ। ये जी मैंने पानी थोड़ा सा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रंग डाल लिया है और चिकन को मैंने इस तरह से कट लगा लिया है। डीप कट लगाने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और अब हम इसको ज़रदा रंग लगा देंगे। ये देखें जी, अब मैंने इसको कलर लगा दिया है, ज़रदा रंग लगा दिया है। इसको अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैंने दही लिया है, तकरीबन आधी प्याली दही ले लें। इसमें डाला है एक चम्मच अदरक का पाउडर, एक चम्मच सूखा धनिया ज़ीरा पिसा हुआ भूनकर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक एक चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, अजवाइन एक चुटकी, लाल मिर्च एक चम्मच। अब इस सब को मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें डाल दिए हैं तीन लेमन। लेमन जूस डाल दें, तीन लेमन ले लें, उसका जूस डाल दें। ये मैंने एक बोल लिया है और अब मैं जो है चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। ये देखें जी, हमने इस तरह सब पीसीस को अच्छे से मैरिनेट करके तो इसको हमने रखना है तकरीबन एक से दो घंटे के लिए। ये एक पतीली ली है मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि कितना ऑयल है, तकरीबन तीन से चार चम्मच ही ऑयल है। चिकन जो कि मैंने दो घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था, अब इसके अंदर मैं साथ साथ उनको जोड़ के रख दूंगी। ये देखें जी, इस तरह हमने सारों को लाइन वाइज जोड़ देना है। और एंड पे जो मसाला बचेगा वो भी आप ऊपर डाल दें। ये देखें जी, अब मैंने इसको रख दिया है बिल्कुल लाइट सी फ्लेम है, जैसे हम दम देते हैं दम से थोड़ी सी तेज़। ये देखें जी, 25 मिनट बाद मैंने खोला है। फ्रेंड्स, मेरे से एक पार्ट जो है वो मिस हो गया है। उस 25 मिनट बाद खोलने के बाद मैंने उसके साइड्स को चेंज कर दिया था और मज़ीद 25 मिनट रखा था और उसके बाद खोल के चिकन बिल्कुल गल चुका था और जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने आंच तेज़ करके उसको सुखा लिया था और जो मसाला था वो साथ चिपक गया था। इसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और अब ये आपके सामने है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, वी मान अल्लाह, टेक केयर।